नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी एवं उनके साथ उपस्थित थे फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं जिंदाल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष चेयरमैन नवीन जिंदल, उपाध्यक्ष श्रीमती शालू जिंदल, राज्यगण शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास, युवा एवं क्रीडा मंत्री तुषार क्रांति बेहरा, पुरी जिलापाल समर्थ वर्मा, पुरी एसपी डॉक्टर कंवर विश्वाल सिंह, अतिरिक्त जिलापाल प्रदीप कुमार साहू, उप जिलापाल भवतरण साहू मुख्य रूप से मौजूद थे। जिंदल के सीएसआर प्रेसिडेंट ग्रुप हेड प्रशांत कुमार होता ने कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ साथ मुख्य अतिथि एवं सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया गया था। जमीन से 108 फीट की ऊंचाई पर हवा में लहराते हुए राष्ट्रध्वज को देखकर सभी के मन में एक देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी। महामहिम राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी ने कहा कि राष्ट्रध्वज के लिए जो संग्रंश नवीन जिंदल ने किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने नवीन जिंदल द्वारा संचालित इस कार्यक्रम की खूब तारीफ की। गण शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा कि पूरी प्रवेश करते ही बाटा गांव चौक पर स्थापित राष्ट्रध्वज लोगों के मन में राष्ट्रीयता को जगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रध्वज के साथ साथ पास में ही स्थित जय राजगुरु की मूर्ति और आसपास के क्षेत्र की देखभाल और सौंदर्यकरण पर अगर नवीन जिंदल जी ध्यान केंद्रित करें तो अच्छा होता। क्रीडा एवं युवा मंत्री तुषार क्रांति बेहरा ने कहा कि राष्ट्र एकता, देशभक्ति और देश प्रेम की भावना जागृत होगी। नवीन जिंदल फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने सभी को कहा कि हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से यह राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरी विधायक जयंत कुमार सारंगी इस गौरव में कार्यक्रम का हिस्सा होने पर सभी को धन्यवाद ज्ञापन दिया था। देखिए रविंद्र कुमार से ये देखिए पूरी से ये रविंद्र कुमार की एक खास रिपोर्ट।